हेलो एंड वेलकम टू कोरल डे ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक बहुत अच्छा तोहफा अभी ने सभी व्यूवर्स के लिए और कोरल ड्रॉ यूज़ करने वालों के लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, CDTFB को सब्सक्राइब करें। और CDTFB को सर्च गूगल या यूट्यूब पर करने के लिए CDTFB टाइप करेंगे तो आसानी से सर्च कर पाएंगे। साथ ही सब्सक्राइब बटन और यहाँ एक बेल आइकन दिखाएगा, उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए, बहुत वक्त नहीं लूंगा, जल्दी से शुरू करूंगा आज की क्लास। क्लास भी नहीं, आज सिर्फ गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ये कोरल ड्रॉ के हमारे यूज़ करने वालों के लिए कलर के स्वेचेज हैं, बहुत सारे प्रीसेट्स ऑलरेडी तैयार, कलर्स ग्रेडियंट जो आप अपने कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग में, हेडिंग्स में, बैकग्राउंड्स में, टेक्स्ट में, एलिमेंट्स में, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, अलग अलग तरह के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप सेव कर लेंगे, इसकी CDR फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस पर एक पासवर्ड डाल दूंगा जो आपको वीडियो में मैं आखिर में बताऊंगा कि पासवर्ड क्या है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ ग्रेडियंट्स, इनको मैं बताता हूं आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत लोग तो इसको सब जानते ही हैं किस तरह से यूज होता है, लेकिन कुछ नए लोग जो नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि इसको यूज क्या करना है। तो यहां मैंने दो चीजें ली हुई हैं कि ये शेप लिया हुआ है, इसको डबल वो ऑब्जेक्ट किया हुआ है मैंने, एक आउटर रिंग और एक ये स्क्वायर बनाए हुए हैं, दो राउंड कॉर्नर के, और एक ये डिज़ाइन लिया हुआ है मैंने, एक ये डिज़ाइन है और साथ में एक ये बैकग्राउंड है उसी डिज़ाइन के साइज की। तो मैं आपको कंट्रोल सेट कर दिया, मैंने दिखाता हूँ कि इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये शेप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ग्रेडियंट को यूज करने के लिए आप किसी शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज बाहर वाली बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ मैं, बाहर वाली बैकग्राउंड में से इसमें से कोई कलर फिल करना है मुझे। सपोज कीजिए यहाँ से कोई कलर मुझे लेना है, तो मैं यहाँ एडिट में जाऊँगा, सिंपल एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ये मैं सभी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लूँगा। अगर मुझे आउटलाइन चाहिए ऐसी नन, अगर आउटलाइन हमारी अपनी कस्टमाइज रखना चाहते हैं तो हम आउटलाइन की प्रॉपर्टी ऑफ कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ ग्रेडियंट में आउटलाइन नहीं आए मेरी, ऐसी आए, तो मैं यहाँ से सिंपली ओके करूँगा, तीनों प्रॉपर्टीज कॉपी करूँगा, यहाँ से कोई भी कलर कॉपी कर लूँगा, ये वाला कलर कॉपी कर लेते हैं। चलिए, ये ग्रेडियंट हमारा फिल हो गया। अब इन साइड वाले के अंदर हम कोई और ग्रेडियंट इनमें से कोई यूज़ कर लेते हैं। फिर से मैं दोबारा जाऊँगा, यहाँ सेलेक्ट करूँगा कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ओके करूँगा, यहाँ से जो कॉम्बिनेशन आप चाहें साथ में इसके दिखाना, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये देखिए ग्रीन इसके कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हम यहाँ से दोबारा से जाएंगे कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ये ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा है, ये चल जाएगा। या हम इसी कॉम्बिनेशन को फ्लिप कर सकते हैं, देखिए मैं दोबारा से इसको जाऊँगा इस तरह, ये देखिए फ्लैट हो गया एक जैसा, लेकिन मैं ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूंगा, नीचे कीबोर्ड से जी प्रेस करूंगा, यहाँ ऊपर टॉप पर ये वाली जो बार है, छोटा सा बटन दिखा रहा है रिवर्स फिल के लिए, ये रिवर्स कर दूंगा सिंपल, ये देखिए एक बटन बन गया सिंपल। इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन आपके पास बहुत सारे हैं, यहाँ आप अलग अलग बना सकते हैं। सपोज गोल्ड में कोई बना देते हैं, चलिए ये देखिए, ये मैं आउटर लूंगा, यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टीज करूंगा फिल, गोल्ड के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप गोल्ड में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेडियल वाला यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ मैं, ये वाला ले लेता हूँ चलिए, और ये एक इनसाइड ले लेता हूँ। इनसाइड वाले में देखिए यहाँ से कोई सिंपल, ये वाला ले लेते हैं, देखिए सिंपल है ये, अच्छा लग रहा है, देखिए ये चल जाएगा। यहाँ से और चेंज कर सकते हैं, और दूसरा चाहिए कोई, देखिए ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, ये गोल्ड बटन आपका कितना खूबसूरत बनेगा। इसी को ऑप्शंस बना सकते हैं आप, देखिए मैं नीचे ले आता हूँ इसकी कॉपी, फिर इस इनसाइड वाले को ही चेंज करेंगे सिर्फ, ये देखिए कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम,
ये वाला यूज़ कर कर देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा है। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं जी ग्रेडियंट टूल से। इस तरह डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं कुछ भी आप कस्टमाइज़। ये देखिए, इसको भी इसी तरह ग्रेडियंट टूल यूज़ करके इसके कॉम्बिनेशन और डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन गया। सभी कलर आपके पास रेडी हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं जल्दी से शॉर्टकट से यूज़ कर कर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम इनसाइड ये ले लिया, आउटसाइड इसका ये डार्क वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर कर देखते हैं। देखिए, ये भी अच्छा है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल से। देखिए, 90 डिग्री कर कर देखें इसको, क्या है ये। देखिए 90, वो ओह सॉरी, इसकी वैल्यूज हो गई है कलर्स की। तो हम इसको यहाँ से सिंपली ड्रैग कर कर इस तरह वर्टिकल कर लेंगे। जिस डायरेक्शन में भी हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है। इसी तरह ये हमारे पास एक डिज़ाइन है, डिज़ाइंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड वाला शेप लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला, इसमें कलर फिल करूँगा। वही थ्योरी होगी, यहाँ से सब आप जानते हैं कलर फिल करना है। देखिए, ग्रीन लिया मैंने, ग्रीन अच्छा लग रहा है। सेकंड कलर इसको हम गोल्ड भी ले सकते हैं ग्रीन के साथ, या लाइट ग्रीन टोन दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हैं ग्रीन के लिए। ग्रीन पर किसी ग्रीन कलर की थीम ये यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए, यहाँ हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये अच्छा है। हम इस ग्रीन को चेंज कर सकते हैं अंदर वाले बैकग्राउंड को। ये सिलेक्ट किया, यहाँ से डार्क वाला यूज़ करें। ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक क्लिक के अंदर आसानी से एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट बन गया। फिर इसकी कॉपी कर लेंगे। अगर और कोई कॉम्बिनेशन आप ट्राई करना चाहते हैं, गोल्ड पर भी कर सकते हैं इसको। गोल्ड भी बहुत खूबसूरत लगेगा। बैकग्राउंड चेंज करूँगा सबसे पहले, कोई डार्क कलर की इसमें से यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ से इस तरह से कोई और ले लेते हैं। देखिए, ये वाली ले लेते हैं डार्क। यहाँ गोल्ड यूज़ करेंगे हम, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये भी अच्छा है। बहुत ऑप्शन हैं, आप गोल्ड में वैरायटी बना सकते हैं। कॉपर के साथ गोल्ड है, देखिए कॉपर और गोल्ड नहीं अच्छा लग रहा, तो यहाँ से फिर चेंज कर दीजिए। डायरेक्ट डार्क वाली ले लीजिए कोई कॉम्बिनेशन। ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ आप। ब्लैक के ऊपर देखिए कितना खूबसूरत निकल कर आता है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। गोल्ड की अलग अलग डिफरेंट वो ट्राई कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे इसके साथ। देखिए, ऑप्शंस बनाते रहिए, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, गोल्ड के साथ हो गया, आप दूसरे कलर के साथ किसी के। ये देखिए, यहाँ पर हम रेड के साथ लेते हैं। रेड एंड गोल्ड भी अच्छा है। रेड के साथ ब्लू कलर ले सकते हैं कोई, ये डार्क ब्लू ले सकते हैं, ज़्यादा हो गया। लाइट टोन ले लीजिए कोई, यहाँ लाइट टोन्स भी हैं। देखिए, इस तरह से ये टोन अच्छी है, ये यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्राउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो टोन हमने यूज़ करिए। देखिए, कोई डार्क ब्राउन कॉम्बिनेशन ले लीजिए। ये इसका ग्रेडियंट हम थोड़ा सा ड्रैग कर कर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ और कॉम्बिनेशन हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं ये। तो इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप यूज़ करके बना सकते हैं। तो आज ये सिर्फ आप लोगों के लिए गिफ्ट था एक। यहाँ लाइट टोन्स देखिए, सिल्वर के साथ सिल्वर का भी बना सकते हैं। सिल्वर्स हैं, मैं यहाँ कुछ सिल्वर का ऑप्शन बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये सिल्वर है, हमने ये सिल्वर के लिए डार्क कलर आउटर ले लिया। और यहाँ बहुत लोगों को सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, जैसा आप चाहें यहाँ से कॉपी करिए और सिंपली क्लिक कीजिए, आपके लिए ऑप्शन तैयार है। देखिए, सॉरी, ये है सिल्वर। लाइट और डार्क आप ग्रेडियंट को मॉडिफाई कर 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 सकते हैं जब भी आप चाहें। देखिए, देखिए और भी ऑप्शन बहुत, इतने सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसको देखकर। ये देखिए, लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, गोल्ड के साथ बना सकते हैं अलग अलग कलर। ये देखिए, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग बन गया। यहाँ फिर सर्कल के साथ, ये किसी भी शेप के साथ आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह, फिर एक इनर ले लेंगे। डबल टोन बना सकते हैं, सिंगल टोन का बना सकते हैं आप। गोल्ड पर फिर ले लिया हमने, इसके साथ ले लेंगे गोल्ड। किसी और कलर के साथ भी ले सकते हैं। ये रहा, बहुत ऑप्शंस आप बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, सिंपली अगर सिंगल रखना चाहते हैं आप, सिंगल भी बना सकते हैं। देखिए, आप एक क्लिक के अंदर आसानी से यहाँ से टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं इसकी। देखिए, यहाँ से फिर हम कोई कलर ले लेंगे, अर्दी कलर है। देखिए कितना अच्छा है ये।
ब्राउन चॉकलेट कलर है लाइट, ठीक है। हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। स्काई कलर है ये, देखिए स्काई कलर, किसी बैकग्राउंड में अगर आपको यूज़ करना है, या सिंपली एक क्लिक करेंगे बैकग्राउंड बन जाएगी। यहाँ आपको एलिमेंट वगैरह या इस तरह की बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। देखिए फिर से लाइट कलर की, यहाँ सॉरी बिल्कुल वाइट भी कर सकते हैं, इसको डार्क भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, इस तरह के इफ़ेक्ट आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। देखिए हम इसको डार्क कर लेंगे, देखिए। तो बस आज के वीडियो में यही था आप लोगों के लिए, आप इसको यूज़ करें और मुझे बताएं आज का वीडियो आपको ये आपके लिए कैसा है तोहफा, और मुझे सजेशंस कमेंट में अपने लिख कर बताएं कि आपको कैसा लगा आज का डाउनलोड के लिए। ये बहुत लोग अक्सर मांगते रहते थे मेरे पास, ये सेव है सर, ये स्वैचेस दीजिए, तो आप यूज़ करिए। मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, हमारा फेसबुक पेज देखिए, ट्विटर पर भी हैं, सब जगह फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, और इस जिप फोल्डर का जो पासवर्ड होगा वो CDTFB123, CDTFB123 होगा दोस्तों, सी फॉर कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर 123। मैं लिख भी दूंगा वीडियो में एंड में नीचे, आप इसको सेव कर लीजिएगा और यूज़ करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।